अच्छा तो यार अब देखते हैं, तो इंटरव्यू तो चल ही रहे होंगे अब। अच्छा बहुत लोगों के पास कॉल नहीं भी आ रही होंगी। हाँ ये देखो ज्यादा लोग बोल रहे हैं। ठीक है तो ये होता है टाइम के हिसाब से। वैसे भी ये टाइम जो है दिसंबर का है ना। जनरली देखो अब जैसे सही बता दे, अब मेरी कंपनी में 18 तारीख अपन क्यों कल के बाद ही फिर छुट्टी है, फिर ऑफिस ओपन होगा 3 मार्च को। यहाँ का नहीं, जो वहां का है वो लोग जो क्लाइंट है, तो इसलिए हम लोगों को छुट्टी मिल रही है। तो मतलब ये टाइम ऐसा होता है कि अब इस समय एक्टिविटीज क्या हो जाती है, नई चीजों को लेके जो प्लानिंग है वो क्या हो जाती है, कुछ दिन के लिए होल्ड पे रख दी जाती है कि ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे, जब छुट्टियों से लौट के आएंगे फिर से चीजें क्या होंगी। तो मतलब एक चीज रहता है ये लगभग दिसंबर में और मिड जनवरी तक कॉल्स का फ्लो क्या रहता है, थोड़ा स्लो रहता है, कम रहता है। लेकिन हाँ अचानक, लेकिन फिर जनवरी में जब आएगा तो धीरे धीरे करके अचानक क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक आते आते बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं तैयार करना है, जो भी तैयार करना है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुमको देखा होगा, तुमने इतने लोग इंटरव्यू दे रहे होगे, पिछले दिन पढ़ा किसी के लिए अगले दिन काम नहीं आया होगा, याद रख लेना। कोई भी इंटरव्यू, भले तुम लोग सोचते होगे हम आज पढ़ेंगे कल इंटरव्यू, तो आज हम सब काम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नया नहीं पढ़ेंगे, ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कल की तैयारी करेंगे। और कल उस या तो उसमें से पूछेगा नहीं, और अगर पूछेगा तो तुम बता भी नहीं पाओ। बात यह है उनको क्या चाहिए, उनको उसकी डेप्थ नॉलेज है। इंटरव्यू देने से अंदाजा तो हो ही गया होगा, ऊपर ऊपर बोल के काम नहीं चला सकते, है ना। चलो अच्छा तो अभी देखो चीजें हैं क्या क्या। एक तो मान लो थोड़ा सा क्या है, एपीआई खूब पूछा जा रहा होगा। हाँ एपीआई पूछा भी जाएगा। और अच्छा प्लस क्या है, मोबाइल पूछा जा रहा है। हाँ मोबाइल के लिए अब क्या है भाई आप लोगों का, मोबाइल के लिए हम लोग जो जानते हैं, हम अब आपके हिसाब से आप एक चीज जानते हो क्या, आपको देखना है ध्यान से इंस्टॉलेशन। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स का इंस्टॉलेशन होता है, जैसे तुम्हारा क्या एंड्रॉयड स्टूडियो है, एपीएम सर्वर, ठीक है, एपीएम इंस्पेक्टर, या इस टाइप की चीजों का तुम क्या करते हो इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहले ज्यादा फोकस करना। और इसके बाद एक चीज और सबसे जरूरी, क्या क्लास पाथ सेट करना। मतलब पहले याद रखना है आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है, और प्लस आपको दूसरी ये चीज है किसका किसका क्लास पाथ सेट करना है, क्या क्या वहां पे डालना है, ठीक है। और इसके बाद और क्या करना है आपको, मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, डेवलपर मोड क्या करना है, ऑन करना है, ये इस टाइप की चीजें करनी है कि नहीं करनी, तीन। और इसके बाद चौथी चीज क्या है, अब एपीएम सर्वर और सब इंस्टॉलेशन मान के चल रहे, सारी चीजें इंस्टॉल कर दोगे, क्लास पाथ सेट कर लोगे, ठीक है, और मोबाइल को क्या कर लोगे, कॉन्फिगर कर लोगे। और इसके बाद एक कमांड होती है ना, एडीबी डिवाइसेस, इससे चेक कर लेते हो कि डिवाइस कनेक्ट हुई या नहीं, ये इतना काम करते हो ना। इसके बाद फिर तुम्हारा काम स्टार्ट होता है क्या करना, अब तुम्हारा काम होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। एपीएम को क्या करना है, स्टार्ट करना। इसके लिए बहुत बड़ी चीज है, याद रखना, डिजायर्ड कैपेबिलिटी है ना, ये बताया गया होगा। और उसमें तुमने देखा होगा डिजायर्ड कैपेबिलिटी के नाम पे डॉट करके इसके मेथड्स होंगे, जहां दो आर्गुमेंट भेज रहे होंगे ना, एक की और एक वैल्यू, उसमें ऐप एक्टिविटी और इस टाइप के। और वो भी देखो एपीएम में क्या है, चीजें समय के हिसाब से क्या हुई है, चेंज हुई, तो जो इस समय रिसेंट है वो तुमको डिजायर्ड कैपेबिलिटी, ये चार पांच चीज पहले देख, ठीक है। और ये तुम लोग सब लोग देख चुके हो। इसके बाद फिर क्या करोगे बताओ, अच्छा अगर ये दी चीजें तुमने देख रखी, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अब तुम ऑटोमेशन क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ऑटोमेशन स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या होंगे, टेस्ट केस होंगे, याद रखो। फिर तुम लोगों को हम पहले बता चुके हैं ये बात, तुम लोगों को काम कैसे मिलेगा, एक ऑटोमेशन वाले को काम इस तरह, देखो मैं ध्यान से देखना, दो काम, दो तरह के काम मिल सकते हैं आपको, एक मैनुअल का और एक ऑटोमेशन का। मैनुअल वाले केस में क्या होगा कि एक डेवलपमेंट की स्टोरी एक बनी होगी, आप उसी स्टोरी पे आपके लिए क्या बना दिया जाएगा, टास्क बना दिया जाएगा, ध्यान समझो।
आप उसी स्टोरी पे आप भी काम करोगे, उसी स्टोरी पे क्या काम करेगा, डेवलपर भी उसी स्टोरी पे, सब उसी स्टोरी पे काम करेंगे ना। और स्टोरी के देखा था आप लोग सबने, यूजर स्टोरी क्या होती है, बड़ी आसान सी चीज थी, न्यू करके आप बना देते हो, बन जाता है, क्या दे देते हो उसको, टाइटल दे देते हो, डिस्क्रिप्शन डाल देते हो कि भैया इसमें क्या क्या होना चाहिए। और उसके बाद उसी स्टोरी में फिर देखो अंदर ऑप्शन देखोगे तो न्यू करके टास्क बनते हैं, क्या बनते हैं टास्क, एक स्टोरी के अंदर मल्टीपल टास्क बन जाएंगे, डेवलपमेंट के टास्क बन जाएंगे। जैसे क्या, एक टास्क डेवलपर क्या करता है, पहले रिक्वायरमेंट को क्या करता है, एनालाइज करता है, फिर डिजाइन करता है, फिर क्या करता है उसे डेवलप करता है, फिर यूनिट टेस्टिंग करता है ना, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है, और इसके बाद वो क्या करता है उसको सिस्टम टेस्टिंग, तीन चार पांच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हर काम के लिए एक एक क्या बना देगा वो टास्क, चार पांच टास्क उसके उसने बना दिए, तुम्हारे टेस्टिंग के लिए भी होंगे टास्क। जैसे उसी स्टोरी के लिए तुम क्या करोगे, तुम भी रिक्वायरमेंट एनालाइज करोगे, तुम भी क्या करोगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, इसके बाद क्या करोगे तुम टेस्ट के, अरे टेस्ट केस क्रिएट करोगे, जब स्टोरी होगी तो उसे मैनिपुलेशन क्या करता है टेस्ट केस बनाएगा, फिर वो जब डेवलप करके टेस्ट केस बनाएगा, टेस्ट केस को अपने सीनियर से रिव्यू कराएगा, ये सब क्या है काम ही तो है। तो इतने टास्क बना दिए, ये भी अपना काम करता जाएगा और टास्क को क्या करता जाएगा क्लोज करता जाएगा। फिर जब वो टेस्ट केस बन जाएगा तो वो टेस्ट उसके लिए एक टास्क ये भी बनाया होगा, क्या जानते हो इस ये, जैसे ये स्टोरी है तो इस टास्क के लिए काम ये भी बनाया होगा कि भैया जब ये टास्क आएगा तो हमें क्या करना है, पहले पहले जब जब ये बन के आएगा तो हमें उसके वो स्मोक करना है, रिग्रेशन करना है, और क्या करना है, मान लो स्मोक करना है, रिग्रेशन करना है, सैनिटी, ये सब जो काम करना है, और उस जो स्टोरी है उस स्टोरी को क्या करना है, टेस्ट केस को क्या करना है एग्जीक्यूट करना है। टेस्ट केस तुम क्या करते हो, चला के देखते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना। तो टेस्ट केस क्रिएशन, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, ये सब क्या है, ये टास्क है ना उस स्टोरी के अंदर के क्या है टास्क। और इसके बाद फिर मतलब ये इस तरह से काम होता है किस पे, मैनुअल वालों का, जनरली मैनुअल वालों का काम क्या होता है इस तरह से होता है, स्टोरी वही आएगी। स्टोरी का मतलब क्या है, ये फंक्शनैलिटी बनानी है या जिसको हम बोलते हैं क्या रिक्वायरमेंट, उसी स्टोरी के अंदर कई क्या बनाए जाएंगे टास्क, तुम्हारे भी टास्क रहेंगे, रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, टेस्ट केस क्रिएट करना, टेस्ट केस क्या करना एग्जीक्यूट करना, ये तीन तुम्हारे टास्क है। क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। और लेकिन फिर दूसरा बात, लेकिन ऑटोमेशन का काम ऐसा नहीं होता, याद रखो ऑटोमेशन के बारे में तुम लोगों को शायद ये पहले बताया भी गया है, पहले याद रखना। मान लो एक रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी इस स्प्रिंट के लिए आई तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की एक स्टोरी बनेगी कि नहीं बनेगी, और उसके ऊपर डेवलपमेंट होगा और टेस्टिंग होगी, लेकिन डेवलपमेंट होगा और मैनुअल टेस्टिंग होगी, उसका ऑटोमेशन नहीं होगा, याद है ना बात। ये ऑटोमेशन आपको बताया गया है कि हमेशा क्या चलता है पीछे, हम ऑटोमेशन करते हैं किस लिए, स्मोक के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिग्रेशन। अच्छा, स्मोक के टेस्ट केस हर स्प्रिंट के बाद बढ़ जाते हैं, नहीं, स्मोक का मतलब होता है स्मोक टेस्टिंग में वो टेस्ट फंक्शनलिटी टेस्ट की जाती है जो कोर फंक्शनलिटी है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन रिग्रेशन की फंक्शनलिटी समय के हिसाब से बढ़ती चली जाती, जो आज नया है वो 2 महीने बाद क्या है पुराना है, लेकिन इस पुराने को भी 2 महीने बाद टेस्ट करना है, यही इसी इसी क्या बोलते हैं रिग्रेशन ना। तो रिग्रेशन के लिए टेस्ट केसेस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो तुम्हारे लिए याद रखना, ऑटोमेशन की अलग से स्टोरी बनेगी, ऑटोमेशन में उनको जो ऑटोमेट करवाना होगा वो तुम्हारे लिए क्या बनाएंगे, अलग से स्टोरी बनाएंगे, और उस स्टोरी के अंदर फंक्शनैलिटीज लिखेंगे कि ये फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करनी है। ध्यान से समझना, चल रहा है ये स्प्रिंट, लेकिन जो तुम्हारे लिए स्टोरी क्रिएट की गई है उसमें 3-4 फंक्शनैलिटी का नाम है, एक का नहीं, किसका नाम है, 3-4 का या एक का, जिसका भी नाम है, वो तुम्हारे लिए बनाई गई जो, और ये उस फंक्शनैलिटी के लिए बनाई गई है जो 2 महीने पहले आई थी, या जो 2 या 3 स्प्रिंट क्या हुई थी पहले आई थी, अब आज इसको आप क्या कर रहे हो ऑटोमेट। बात समझ में आ रही है, तो आपको अलग से क्या मिलेगी, स्टोरी मिलेगी। अब ध्यान से देखिए, स्टोरी कैसी मिल सकती है, जैसे हो सकता है
तुमको 2 महीने पहले लीड्स के बारे में आया था, तो तुमको स्टोरी मिल जाए कि लीड्स में फलाना फलाने सिनेरियोस क्या करने हैं, ऑटोमेट करने हैं। अभी स्प्रिंट में 3 हफ्ते के लिए आपके पास क्या है, ये काम है, उसी हिसाब से मिलेगा जितना आप 3 हफ्ते में कर सकते हो, या काम छोटा है तो आपको 2 या 3 स्टोरी मिल जाएंगी आपके 3 हफ्ते के हिसाब से। अगर 3 हफ्ते के 3 हफ्ते की स्प्रिंट है तो उसके हिसाब से आपको काम मिल जाएगा। क्या बनेगी, याद रखना, स्टोरी इसके लिए, ऑटोमेशन के लिए। तुम पूछेंगे तुम्हें कैसे काम मिलता है, तुम बोलना, तुमसे पूछेंगे कैसे काम मिलता है, तुम ये नहीं काम कोई आके देता है। काम मिलने का कदो सीधा सीधा सा तरीका ये है सर कि हर स्प्रिंट में, आज जैसे ऑटोमेशन पे काम कर रहे हो तो ऑटोमेशन की स्टोरी क्रिएट होती है, और जिन पे हम उस स्प्रिंट पे जिनको हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, अलग से कोई काम वाम नहीं आता। बस सिंपल ये बताना, ये सबसे ऑथेंटिक है कि भाई जब हमारे लिए भाई स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का मतलब क्या है, इस स्प्रिंट में पूरी टीम क्या क्या काम करेगी, हर चीजों का प्लान, हर और कौन क्या क्या करेगा, यही तो होता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ना। उसी में जैसे मान लो तुम 5 टेस्टर हैं, 3 टेस्टर, 2 टेस्टर ऑटोमेशन वाले हैं, 3 मैनुअल वाले हैं, तो जो 2 ऑटोमेशन वाले हैं उन्हें भी तो उन्हें क्या काम मिलेगा, उन्हें यही मिलेगा कि 2 स्प्रिंट पहले आए हुए टेस्ट केस को क्या करूं, ऑटोमेट करूं, उनका एक स्टोरी बना देंगे भाई। फंक्शनलिटी भी आई होगी ना, लीड्स की आई होगी, अकाउंट की आई होगी, उस हिसाब से आपके लिए क्या बन जाएगी एक स्टोरी, जिसमें ये लिखा रहेगा कि इनको आपको क्या करना है, ऑटोमेट करना है, उनके बारे में लिखी रहेगी। या देखो 2 चीजें हैं, या तो क्या रहेगा, या तो लिखा रहेगा क्या ऑटोमेट करना है, या तो जो टेस्ट जो ऑटोमेट करना है उसके लिए 2 महीने पहले मैनुअल टेस्टिंग हुई थी ना, मैनुअल टेस्ट केस लिखा गया था ना, तुमको उसके अंदर लिख दिया जाएगा मैनुअल टेस्ट केसेस की टेस्ट केस आईडी। जैसे स्टोरी की आईडी होती है ना, जीरा आईडी होती है ना सबकी, ऐसे टेस्ट केसेस की भी क्या होती है आईडी, तुमको 3-4 टेस्ट केसेस की आईडी दे दी जाएगी, भैया ये ऑटोमेट कर, क्लियर है। अब तुमको ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे 2 स्टोरी मिल गई ऑटोमेशन की, किसकी, वेब की, अब तुम्हारे एप्लीकेशन में याद रखो तुम्हारा जो मोबाइल है, जो एप्लीकेशन है, उसका CRM का भी ऐप बनता है, और तुम्हारे ई कॉमर्स के भी ऐप तो देखे ही हो, फंक्शनलिटी वही रहती है, लेकिन क्या बना देते हैं, मोबाइल में इजीली एक्सेस करने लायक उसको बना देते हैं। अच्छा ये भी देखा है कि नहीं कि मोबाइल में डायरेक्टली खोल लेते हो, अगर मान लो हमें फेसबुक या कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है, मोबाइल पे भी क्रोम खोल के अंदर हम डाल के खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, ये तो हुआ वेब पे, जैसा हम लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं वैसा ही हम किस पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे भी, ठीक है। और अब मोबाइल के लिए क्या बनाते हैं ऐप, तो सेम कंपनी उसका भी डेवलपमेंट करवा रही होगी, किसका, मोबाइल का भी, और किसका, वेब का भी, वेब वाली टीम अलग होगी, मोबाइल वाली टीम अलग होगी डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि तुमको तुमसे ऑटोमेशन करवा रहे हैं वेब का भी और मोबाइल, ध्यान से समझना, तुमसे ऑटोमेशन करवा रहे हैं और किसका ऑटोमेशन वो करवा रहे हैं, वेब का भी मोबाइल का भी। ऐसा हो सकता है कि 2 स्टोरी वेब ऑटोमेशन की मिल जाए और 2 स्टोरी मोबाइल ऑटोमेशन मिल जाएगा कि भैया मोबाइल में वहां से जाओ देखो वो CRM ऐप खोलो, लॉग इन करो, अंदर जाओ, लीड्स में जाओ, देखो लीड्स बन रहा है कि नहीं, ये क्या है, ये मतलब ये लीड्स की फंक्शनलिटी चेक करो, ये क्या है, स्टोरी है ना, क्या है, स्टोरी है ना। तो हो सकता है 2 स्टोरी मोबाइल की मिल जाए, 2 किसकी मिल जाए, वेब की, अगर छोटी छोटी हो 4 कर पाओ, मतलब उतना ही मिलेगा जितना तुम 3 हफ्ते में कर सकते, अगर बड़ा काम होगा तो एक ही एक मिलेगा भाई। कभी कभी हमारे पास छोटे छोटे काम आ जाते हैं तो एक एक स्प्रिंट में हम 4-4 स्टोरी पे काम करते हैं, कभी कभी एक ही स्टोरी ऐसी आ जाती है जिससे पूरा मेरा स्प्रिंट चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो फंक्शनैलिटी कितनी बड़ी है, वो काम कितना बड़ा, ठीक है। तो वेब और मोबाइल की दोनों की क्या बनेंगी, स्टोरीज, वो कुछ नहीं न्यू करके वो लोग ऐसे एक यूजर स्टोरी करके बना देंगे, और जिसके ऊपर तुम क्या करोगे फिर, तो काम कैसे मिलता है, तो कह देना भैया मेरे लिए जो ऑटोमेशन की सिनेरियोज जो हमें ऑटोमेट करने होते हैं जिस मॉड्यूल सब मॉड्यूल के, उसके लिए स्टोरी बना के हमें देते हैं, और हम स्टोरीज पे फिर क्या करते हैं, मतलब अब स्टोरी मिल गया वो काम है, अब अपना काम तो अपने सिस्टम पे करेंगे, एप्लीकेशन को हम ऑटोमेट करेंगे, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो स्टोरी पे लिख देंगे काम कंप्लीट हो, वहां स्टेटस चेंज होते हैं ना, पहले न्यू होता है फिर इन प्रोग्रेस होता है, जब काम कर रहे होते हो
प्रोग्रेस करने के बाद, इन प्रोग्रेस के बाद क्या डालते हो? सीधे डन। देखो यार ये कंफर्म कर लो, देखो ये ऐसा हो सकता है, एक स्टोरी के लिए ये होता है कि एक बनाने वाला डेवलप, एक जो उसको बनाता है उस स्टोरी को पे काम करता है। देखो ध्यान से समझो, मैनुअल टेस्टर का काम अलग है, ऑटोमेशन वाले का काम, ऑटोमेशन वाला जो है एक डेवलपर जैसा है, वो भी तो कुछ डेवलप कर रहा है ना, वो भी तो कुछ बना रहा है ना, ऑटोमेट कर रहा है ना, ध्यान से समझना। तो अगर ऑटोमेशन की तुम्हारी स्टोरी होगी तो उसमें भी क्या होगा, शुरू शुरू में न्यू या टू डू, इसके बाद उसे क्या करते हो तुम, भाई टू डू है मतलब अभी इसे करना है। जब एक आदमी काम उठाता है तो उसका स्टेटस क्या कर देगा, जैसे तुम हो, पहले टू डू था, तुमने क्या कर दिया, इन प्रोग्रेस, और उसने ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट करने के बाद वो ऑटोमेशन सही है गलत है, चीजें कवर कर रहे हो नहीं कर रहे, ये भी तो एक बात बनती है कि नहीं बनती है। इसीलिए भाई तुम ऐसा नहीं तुम काम कर दिए दे दिए, इसीलिए अब तुम्हारे काम की भी क्या होगी, टेस्टिंग होगी। तुमने कर दिया क्या उसे इन प्रोग्रेस के बाद उसमें रेडी टू क्यूए, और एक मैनुअल टेस्टर ने चला के देखा क्या क्या सारी फंक्शनलिटी, या तुम्हारे लीड ने जो ऑटोमेशन वाले ने या बगल वाले ने तुम्हारे, उसको चला के देखा जो जो कहा जा रहा है वो ऑटोमेट कर रहे हो या नहीं, इसके बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, डन कर देगा। याद रखो तुम टेस्टर हो, तुम ऑटोमेशन टेस्टर हो, इसलिए तुम्हारे काम की भी टेस्टिंग होगी। तुमने स्क्रिप्ट बनाई है ना, अब मान लो उसमें कहा था ये सब ऑटोमेट करो और तुम उल्टा पुल्टा कर दो, तब चीजें छोड़ दो, तब उसने कहा था 10 चीज टेस्ट करो और तुम 3 चीज टेस्ट करके क्या कर दो, तो पास हो गया, गलत हो जाएगा ना। तुम्हारा जो ऑटोमेट करोगे उसको भी कह देना मेरा जो लीड है, ध्यान समझना क्या कहोगे, जो मेरा लीड है वो उसको क्या करता है, लीड और दूसरे टीम मेंबर्स क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। तो हम रेडी टू क्यूए करते हैं जैसे डेवलपर करता है, याद मालूम है कि नहीं, याद है यार, बताया गया होगा तुम लोग को, जब एक टास्क मिलता है तो पहले वो क्या होता है, टू डू होता है, एक नॉर्मल स्टोरी की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, फिर डेवलपर क्या करता है उसे इन प्रोग्रेस करता है, फिर डेवलपर अपने हिसाब से क्या करता है उसे क्या करता है, रेडी टू क्यूए करता है। अगर वो कर लिया सही हो गया उसके हिसाब से तो क्या करता है, रेडी टू क्यूए, तो फिर मैनुअल टेस्टर उसमें क्या करता है, टेस्टिंग करता है। ऐसे तुम्हारी ऑटोमेशन की भी स्टोरी हो, अलग से स्टोरी बनेगी, याद रखो जैसे डेवलपमेंट की एक स्टोरी नहीं बनती एक टिकट, वैसे ही किसका बनेगा, ऑटोमेशन है जिसमें लिखा रहेगा ये फंक्शनलिटी ऑटोमेट करनी, उसमें वेब के भी होंगे और अलग अलग, जैसे एक स्टोरी वेब की हो गई, एक किसकी हो गई, मोबाइल की, या किसी स्प्रिंट में दोनों वेब की है या दोनों मोबाइल की है, कदो इस तरह से हमें काम मिलता है तो हम वेब और मोबाइल दोनों यूज करते हैं। अब बताओ, अच्छा मोबाइल का ऑटोमेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इंस्टॉलेशन। और अच्छा तो यहाँ मेरे ख्याल से 80% लोगों का हो चुका है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर फिर भी ऑटोमेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं होता है, बड़ी दिक्कत पैदा करता है। अगर तुम लोगों के बैच में 80-85% लोगों का इंस्टॉल हो गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये जान लो, इसका इंस्टॉलेशन बहुत टेढ़ा काम। किसी भी कंपनी तुमको जब भी इंटरव्यू में पूछेगा ना मोबाइल के बारे में, तो कह देना या आई हैव वर्ल्ड लिख दो, या ये भी बोल सकते हो एक जवाब कि हम इस एपीएम पे काम अभी 6 महीने पहले तक हम मोबाइल टीम के भी टेस्ट केसेस करते थे, अब मोबाइल टीम अलग से बन गई है तो हम सिर्फ काम किस पे कर रहे हैं, वेब पे, जैसे मोबाइल की टेस्टिंग, मोबाइल के लिए भी टेस्टर हायर मेरी कंपनी ने कर लिए, तो अब हमें काम किस पे मिल रहा है, वेब पे। लेकिन ऐसे बोल सकते हो कि 6 महीने मतलब 1.5 साल पहले शुरू किया था, 6 महीने पहले मतलब 1 साल तक हमने किस पे काम किया, मोबाइल पे, तो हमने मोबाइल पे काम किया है, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना ये बात। वो कहेगा एपीएम का या इसके बारे में पूछेगा, कर देना या आई हैव वर्ल्ड, आई हैव वन 6 मंथ्स बैक आई वाज वर्किंग ऑन मोबाइल या एपीएम, आई हैव वर्ल्ड अराउंड 1 ईयर ऑन एपीएम एंड इट वाज सेम लाइक सेलेनियम, तुरंत एक जोड़ोगे, इट वाज सेम लाइक सेलेनियम बट द मेन चैलेंज वाज इट्स इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इट टुक टाइम। वो तुमसे वो भी कई बार पूछेगा क्या तुमने खुद किया है, मतलब उसको भी लगेगा कि किया है कि नहीं किया है, नहीं अक्सर कंपनी में होता है भाई कि अलग से वो करके, वो अक्सर आईटी टीम करके देती है कई बार, तो कहीं पूछा है खुद किया, कह दो हाँ
यस आई हैव डन इट, बट इट टुक, और सबको 3 4 5 दिन लगा होगा ना, सच बोलो, सब 4 5 दिन लग गया हमें इंस्टॉल करना पड़ा। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारी क्या तुमने फेस किया, एक्सेप्शंस खूब आ रही थी ना, इंस्टॉलेशन के बाद वो चल नहीं रहा था, एक्सेप्शंस के हिसाब से हम उसको फिर R&D करते थे, गूगल पे इसका जवाब जो भी ढूंढते थे फिर करते थे, करते करते कभी क्लास पाथ सेट करना, सारा इंस्टॉलेशन करना, चलाना, ये बोलना एकदम खूब जोर देके, अभी तुम उसको लगेगा कि तुम सही में काम करते थे। सेटिंग एक बार होगी, अब देखो सेटिंग तुमने कर ली, अब जरा आते हैं जब सेटिंग हो गया, लेकिन याद रखना हम क्या बोल रहे हैं, जवाब में तुम्हें इस बात पे खूब इम्फेसाइज करना है, और इसके बाद फिर दूसरी बात को बड़े हल्के में बोलना, एंड इट्स वर्क, मतलब इस पे काम करना वाज इजी, इट वाज सेम लाइक सेलेनियम, वी हैव इंप्लीमेंटेड सेम टाइप ऑफ फ्रेमवर्क हियर, मतलब हमने क्या किया यार? उसके ही जैसा क्या बनाया, फ्रेमवर्क। देखो फ्रेमवर्क में क्या था तुम्हारे पास, बताओ मोबाइल के बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, जेनरिक मेथड्स में काम क्या रहेंगे, सेम ना, क्लिक है, सेंड कीज है, गेट टेक्स्ट है, यही सब काम है ना, सेलेनियम जैसा ही तो है, ठीक है। एपीएम ड्राइवर इधर क्या है, एपीएम ड्राइवर, और एपीएम ड्राइवर है, उसके दो चाइल्ड कौन है याद रखना, कहोगे इट वॉज सेम लाइक सेलेनियम, पेरेंट इज एपीएम ड्राइवर एंड इट हैज टू चाइल्ड, एंड्रॉयड ड्राइवर एंड आईओएस ड्राइवर, जस्ट लाइक सेलेनियम वेब ड्राइवर, एंड तुरंत तुरंत कंपेयर करते चलना, बताना कि भाई इतना इजी है। इसके बाद वी हैव क्रिएटेड क्या किए, जेनरिक मेथड्स, और ये भी बोलना इन सेलेनियम वी वर यूजिंग वेब एलिमेंट, हियर वी आर यूजिंग मोबाइल एलिमेंट, मेथड्स आर सेम, स्ट्रक्चर इज सेम, आर्किटेक्चर इज सेम, कंपेयर तो करो, there we have class actions class, through that we are performing mouse related actions, mouse here we have class touch action, mobile पे mouse तो नहीं चलता, touch चलता है ना, तो बस वही scroll है ना, वही scroll है, tap है, ऐसे करके 4 6 method और है, सब लोग इसीलिए कह रहे हैं कि काम करो जरा generic method बनाओ, बस सिंपल ये सर्च करो कि हाउ टू टैप ऑन मोबाइल इन, तो फट से नेट पे मिलेगा कोड ना, टैप नाम का या स्क्रोल नाम का या इस नाम का अपने तो क्या बनाए हो, मेथड बनाए, उसी मेथड के अंदर कोड क्या करना है तुम्हें, कॉपी पेस्ट, ऐसे तो जेनरिक मेथड बनते हैं ना, तो सेम है, एक बार तुम जेनरिक मेथड बनाओगे, इसके बाद तुमसे हो सकता है चैलेंजेस के बारे में बात करेगा, तो चैलेंजेस में पहला चैलेंज हमेशा बोलना है क्या, इंस्टॉलेशन, और उस पर टाइम लेके बोलना, उसमें हर चीज का नाम लेना है, ये करना पड़ता है, वर्ड ले, बस वर्ड का इस्तेमाल करना है, एपीएम, वो एपीएम इंस्पेक्टर, एपीएम सर्वर, एंड्रॉयड स्टूडियो, क्लास पाथ सेट करना है, और मोबाइल, ये सारी इन चीजों का नाम लेना है, पहले ये सारा करके फिर भी एक्सेप्शन आएगी बार बार, कौन सी, सेशन नॉट क्रिएटेड, और डिजायर्ड कैपेबिलिटी तुमसे कई बार इंटरव्यू पूछेंगे, ये डिजायर्ड कैपेबिलिटी के बारे में पूछेंगे, कौन कौन सी कैपेबिलिटी के बिना मोबाइल नहीं चलेगा, ये याद रखना, इसकी 2 3 याद रखना, वो अब तो अब पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं तो पहले ऐप एक्टिविटी था, ऐप नेम था, है ना, वर्जन है, प्लेटफॉर्म है, इस तरह से करके, डिवाइस नेम है, डिवाइस आईडी, इस टाइप की 5 6 चीजें यहाँ पे आप प्रोवाइड करते, ये नाम याद रखना है, बस नाम याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, वो तुमसे वहां कोड नहीं करवाने वाला मोबाइल के लिए, ठीक है। और फिर तुम क्या बताओगे, जेनरिक मेथड, तो यार जेनरिक मेथड तो बना लो तुम लोग, नेट पे सर्च करके इजीली बन जाएगा, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल क्या करोगे बताओ, एक स्क्रॉल चलेगा यार किसी कोऑर्डिनेट पे जाना है ना, और एक स्क्रॉल उसमें और भी होता है, क्या करना मालूम है, टेक्स्ट पे जाना, किसी किस पे जाना, टेक्स्ट पे जाना, कि जैसे हाँ बोलो क्या क्या क्या, चार्ल्स, CHARLES, भाई ये नहीं पता, देखना पड़ेगा, और चार्ल्स प्रॉक्सी, प्रॉक्सी हाँ, हम्म,
नहीं देखो प्रॉक्सी, चलो प्रॉक्सी का मतलब ये होता है, जानते हो क्या प्रॉक्सी का मतलब? ये होता है कि किसी भी चीज को, जैसे जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, प्रॉक्सी सेट करने का मतलब है अपने हिसाब से अपना क्या देना, एड्रेस देना, जिससे सामने वाले को आपकी पहचान का पता न लगे। चलो इसको हम देखते हैं, चार्ल्स प्रॉक्सी। और हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो? चलो ये मतलब ये पूरा मतलब हाँ ठीक है, चार्ल्स प्रॉक्सी हो गया, इसका सेटअप और इसका सब कुछ। और अच्छा चलो, और एंड किसका, इम्यूलेटर और सिमुलेटर का कोई और यूज बताओ। अच्छा उसमें अच्छा क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन हाँ इम्यूलेटर, हाँ मतलब चलो सिमुलेटर, और बताओ क्या क्या। चार्ल्स प्रॉक्सी पूछ रहा था, इसका पूरा यूजेस मान के चले हम, और क्या थ्रोट, थ्रोट लिंक। हाँ चलो ठीक है, इसमें मतलब इसलिए पूरा टॉपिक ही है। और बताओ चल, चलो ये ठीक है, ब्राउजर स्टैक ठीक है, और बताओ। हाँ वो देखो, याद रखो एप्लीकेशन के नाम पे तुम्हें क्या मिलता है, एपीके ना, तो कोड के थ्रू एपीके, प्रदीप कोड के थ्रू एपीके डायरेक्ट डाउनलोड भी होता है इसका, इसका होगा ना सा, तो ठीक है ठीक है। और क्या बताओ, एडीबी है लॉग्स। अच्छा एक तरह से मान के चले अच्छा एवीडी एक होता है, अच्छा एक अच्छा मतलब एक तरह से मान के चलें तो एडीबी तुम्हें कमांड्स देखनी है, हाँ एवीडी है। अच्छा अच्छा पहले एक चीज देखो, यूआई ऑटोमेटर है वो तो उसी आईपीएम इंस्पेक्टर के अंदर है। सिलेनियम में कि उसमें आईपीएम, आईपीएम में ना, अच्छा यूआई ऑटोमेटर का आप, हाँ अच्छा मतलब ये है कि एक तो ये है कि चलो ये सब था ही, एपीएम सर्वर को कैसे हम क्या करते हैं कोड के थ्रू ही, मतलब ये है मैनुअली कुछ भी करना ना पड़े, बस स्क्रिप्ट चले। चलो ये तो है, ये तो जनरली आपको हर जगह मिलेगा। तो देखो याद रखो एपीएम सर्वर में भी क्या करोगे, अपने फ्रेमवर्क में जो तुम्हारे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड बिफोर क्लास आफ्टर क्लास होंगे, यहाँ टेस्ट एनजी भी ऐसा ही रहेगा। अगर तुम वो यूज करोगे कुकुम्बर तो वहां पे भी बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट था ना, वहां भी हुक्स का कंसेप्ट था ना, तो ये कॉल करने वाली ये सब ज्यादा नहीं है, ये सब तीन तीन लाइन के क्या है, कमांड्स हैं। मतलब एक तरह से ये मान के चलो तुम ऑटोमेटिक ये चाहते हैं, एबीडी कमांड्स चाहते हैं, एपीके को डाउनलोड करना चाहते हैं, एपीएम सर्वर भी वही है, ये भी एक तरह से डालो इधर ही, लो जी ये चाहते हैं और तुमसे ये कमांड्स चाहते हैं, ठीक है।
बस ना। हाँ देखो, इसकी भी डिबगिंग कैसे होगी, सेलेनियम जैसी होगी, सेम आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है, वो एकदम वैसे चलेगा यार। एक लाइन चलाओगे, ये मान के चलो यहां से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं मोबाइल पे, वो चलता है और एक एक लाइन पढ़ के एक एक लाइन क्या करता है, वो चलाएगा। तो उस टाइम पे आप डिबग कहोगे एकदम सेलेनियम जैसा ही करेंगे, डिबग में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो कोई लोकेटर है तुम्हारा गलत है, डिबग करोगे क्या आएगा, वहां भी आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। मोबाइल डिसकनेक्ट हो गया, कुछ हो गया है ना, उस सिचुएशन में ये भी आ सकता है, एक्सेप्शन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन। हाँ अच्छा, और बताओ। अच्छा, अप्रोच, अच्छा मोबाइल का बिल्ड कैसे पाते हैं, तो ये जनरली कह दो कि तुम्हारे हमारी कंपनी में कहीं पे कोई लिंक होता है, उसका हमें लिंक मिल जाता है। आप उस पे, जैसे कंपनी अपने सर्वर पे क्या कर देगी, डेवलपर को बता देगी कि जब भी कुछ नया डेवलप करो क्या करो, वहां सर्वर पे डाल दो, तो जब भी वो डालेगा तो तुम सबको मेल कर देगा, अपने आप मेल चली जाती है। ये जगहें ऐसी होती हैं, वो वहां पे डालेगा अपने आप सारे सबको क्या चली जाएगी, मेल चली जाएगी और आ जाएगा कि भैया नई बिल्ड वहां पे क्या है, आ गई है। और याद रखना, कई जब भी इस बिल्ड आने का मतलब समझते हो, बस डेवलपर अब जब अपने नए काम को तुम्हारे लिए टेस्ट करने के लिए कहीं डाल देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिल्ड आना। वेब में क्या होता है, पुराना हटा के नया रख देता है ना, ऐसे मोबाइल में भी समझो, नया एपीके क्या करेगा, वो डाल देगा नया एपीके, जो बनाएगा भाई उस एप्लीकेशन को कहीं होस्ट किया होगा ना कहीं सर्वर पे, उस सर्वर से पुराना हटा के नया वाला क्या करेगा, वो लोड कर देगा। तो मतलब वहां से तुम क्या करोगे एपीके को, भाई एपीके तुम्हारे पास तो लोकल पे यूज करने वाले हो ना, तुम क्या करोगे एपीके को, वहां से कहोगे एपीके का क्या आ जाता है, मेल आ जाती है और एक लिंक आ जाता है, वहां से हम उसे क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। और ये चीज ठीक है, और एपीके का इंस्टॉलेशन और सर्वर का ये सब कुछ तो ऑटोमेटिक आपको करना ही है। और एक चीज है, अप्रोच आपसे पूछ रहा है ना, अप्रोच पूछ रहा है, कुछ दिमाग काम करता है एंड्रॉइड और आईओएस के लिए क्या अप्रोच होगी, सोचो यहां अप्रोच वो क्या सुनना चाह रहा है तुमसे। नहीं वो सही है, सर्वर है सही है, सिक्योरिटी, जरा देखो एक सबसे बड़ी अपने ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, तुमसे कह रहा है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग तुम कैसे करते हो मोबाइल पे, तुम्हें मोबाइल पे क्या मिलते हैं, जैसे वेब करते थे वेब पे भी क्या मिलते थे टेस्ट केस, मोबाइल के लिए भी मिलेंगे क्या टेस्ट केस। ऑटोमेट करने से पहले बनाते हो क्या फ्रेमवर्क, बनाते हो क्या फ्रेमवर्क, वो तुमसे ये जानना चाह रहा है कि ऑटो में मतलब, और वो कह रहा है ना कि मोबाइल और क्या कर रहा है एंड्रॉयड और आईओएस। सोचो एक अप्रोच तुम्हारी सिंपल ये हो सकती है कि पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑटोमेशन के लिए आया, तुमने क्या किया, एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, जेनरिक मेथड बनाए हर जगह, या क्या यूज किया एंड्रॉयड ड्राइवर, ध्यान से समझना, सब जगह क्या यूज किया एंड्रॉयड ड्राइवर, और इसके बाद आपने ऑटोमेशन कर दिया, बाद में आईओएस आया तब दिक्कत आ जाएगी ना। तुम दिमाग पहला क्या लगाते कि एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते, लेकिन रखते कहाँ एपीएम ड्राइवर में, जगह जगह किसको यूज करते एपीएम ड्राइवर, पहले ये अप्रोच रखनी है दिमाग में ना, जो अपना फ्रेमवर्क बनाओगे हर जगह किसका यूज करोगे एपीएम ड्राइवर का। और दूसरी चीज सबसे बड़ी याद समझने वाली जो है, एक बताओ एक एप्लीकेशन अगर फ्लिपकार्ट तुम आईफोन पे यूज करोगे और एंड्रॉयड पे यूज करोगे तो क्या बिल्कुल अलग होगा, लगभग सेम होगा, 80% क्या होगा सेम होगा, वही क्लिक करोगे ना, वही स्वाइप करोगे, वही करोगे, इधर उधर भी कुछ अलग करोगे, लगभग सेम होगा ना।
इसमें अच्छा आप सबको एक काम करना है भाई, जेनरिक मेथड पहले बनाना, सबके पास 20 25 25 मेथड होने चाहिए, और फिर आपको जाके ऑफिस में भी तो बनाना पड़ेगा यार। कुछ नहीं करना, क्या बताया है, जो काम करना है नेट से कोड उठाओ, जेनरिक मेथड में उठा के क्या कर दो, पेस्ट कर दो, जो चीज फिक्स है आर्गुमेंट से क्या कर दो, रिप्लेस करो, बस बात खत्म, उसकी जगह आर्गुमेंट बन गए जेनरिक मेथड ना। इसके बाद सबसे बड़ी चीज तुमको याद रखना है, इसके बाद क्या करते हो, जेनरिक मेथड के बाद पेज वाइज क्लासेस बनाते हो कि नहीं, बोलो बनाते हो। अब यहां यही दिमाग लगा देना है, बस तुमको तुम्हें ये करना है कि पेज वाइज जब क्लास बनाओगे तो एक तुम्हें पेज वाइज क्लास बनानी है, किसके लिए, एंड्रॉइड, और एक किसके लिए बनाना है, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, तब एंड्रॉइड पे एंड्रॉइड को यूज करोगे, ध्यान से समझना इस बात को। पेज वाइज क्लास जैसे बनाते हो, लॉगिन का बनाओगे ना, रजिस्ट्रेशन का बनाओगे, सर्च पेज का बनाओगे, ऐड टू कार्ट पेज का बनाओगे, पेमेंट पेज का बनाओगे, सबका बनाओगे कि नहीं बनाओगे, लीड्स का अकाउंट्स का बनाओगे कि नहीं बनाओगे, पेज वाइज क्लासेस। तो अगर एंड्रॉइड के लिए बना दिए, पेज वाइज क्लास में क्या रखते हो भाई, याद है ना, क्या बताएं, दो चीज रहती है ना, एक तो फंक्शनैलिटी, एक तो फंक्शनैलिटी जो काम करना है, और दूसरे क्या होते हैं, यही होता है ना भाई, यही बनाए थे, ऐसे ही इसका भी बनाओगे, ऐसे ही इसका भी बनाओगे, लेकिन पेज वाइज अगर अच्छा एंड्रॉइड के लिए बनाओगे तब सेम बनाना पड़ेगा, फंक्शनैलिटी और लोकेट। लेकिन अब फिर फंस गए, ध्यान से समझो क्यों, टेस्ट केस में लिखा है लॉगिन करो, तो कौन सा लॉगिन पेज कॉल करोगे, अगर एंड्रॉइड वाला करोगे तो किस पे कॉल करेगा, काम करेगा है एंड्रॉइड पे ना, और आईओएस वाला काम करोगे तो किस पे, तो टेस्ट केस में तुम बताओ क्या लिखोगे भाई, जो तुम टेस्ट केस ऑटोमेट ऐसे करते हो ना यार, जेनरिक मेथड को कॉल करते हैं कौन, पेज वाइज क्लासेस, पेज वाइज क्लास को कौन कॉल करेगा, वाले टेस्ट केसेस ना यार, @ टेस्ट वाले, अगर ये इस क्लास का यूज कर लेंगे तो वो चीज किस पे काम करेगी, एंड्रॉइड पे, इसका यूज करेंगे तो किस पे काम करेगी, आईओएस पे। तो क्या करें, यहाँ यहाँ हम एक ही यूज कर पाएंगे ना भाई, तो हम दो टेस्ट केस बनाए, एंड्रॉइड के लिए अलग और आईओएस के लिए अलग, ये मेरे काम को डबल कर देगा, जरा ध्यान से सोचो, फंक्शनैलिटी वाइज जरा बात करो, तो आईओएस पे एंड्रॉइड पे क्या करना है भाई, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, क्या आईओएस पे कुछ और तीर मारना है, काम वही है ना, काम मेथड वही है, वैलिड लॉगिन मेथड वही है, नेविगेट टू लीड, और लगभग काम भी क्या है, सेम है, वही लिखा होगा ना कि इस पे क्लिक करो, इस पे माउस ओवर करो, सेम है ना, जानते हो समझदार आदमी क्या करता है, इसीलिए जो एंड्रॉइड पे काम करेगा सबसे पहले एक पेज क्लास बनाएगा और उसका नाम रख देगा, मान लो मोबाइल, ध्यान से समझना इसको, ये समझ गए, सब समझ गए, मोबाइल _ लॉगिन नाम की एक पेज क्लास बनाएगा और उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी रखेगा, ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या रखेगा, सारी फंक्शनैलिटी, और इस क्लास को इसके अंदर और इसके अंदर क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, 90% फंक्शनैलिटी क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है, 10% का फर्क भी होगा, ध्यान से समझना, 10 का फर्क भी होगा, वो बेवकूफ आदमी होगा जो एंड्रॉयड के लिए और आईओएस के लिए अलग अलग पेज क्लास बनाए और दोनों में सारी फंक्शनैलिटी रख दे, वो 80% चीज दोनों में क्या करेगा, रिपीट करेगा, इसीलिए याद रखना, यही वो जानना चाहता था कि जब हम मोबाइल का फ्रेमवर्क बनाते हैं तो क्या मतलब, क्या अप्रोच रहेगी, तो कहोगे तुरंत कि यार तुमने क्या किया, तो तुम कहोगे When we got work in mobile, then we started, basically we started from Android. We got works in Android. But we had,
दैट विजन दैट इन फ्यूचर वी विल गेट वर्क इन आईओएस ऑल्सो. सो वी हैव डिजाइंड फ्रेमवर्क इन सच अ वे कि हमने फ्रेमवर्क को क्या बनाया, इस तरह से बनाया कि जो एंड्रॉयड के लिए वर्क हम कर रहे हैं बाद में 80% वही आईओएस के लिए क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा. जब आईओएस का ऑटोमेशन हमें करने को मिलेगा तो अगर हमने एंड्रॉयड का ऑटोमेशन करने में एक साल लगाए थे तो आईओएस का ऑटोमेशन करने के लिए हमने बोला भैया 2.5 महीने में पूरा वही चीज एंड्रॉयड पे भी चलेगी और वही चीज किस पे चलेगी, आईओएस पे. ये हम फिर इसके लिए हमने क्या किया कहोगे, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड फॉर ईच पेज वी हैव क्रिएटेड अ मोबाइल पेज क्लास लाइक मोबाइल रजिस्ट्रेशन मोबाइल ये एंड व्हाट आर द फंक्शनैलिटी दैट इज कॉमन इन मोबाइल एंड सॉरी एंड्रॉयड एंड आईओएस. वी हैव क्रिएटेड इन मोबाइल लॉग इन पेज क्लास एंड देन एंड वी हैव एक्सटेंडेड दैट क्लास इन एंड्रॉयड अंडरस्कोर लॉग इन. कौन सा नाम, मतलब ऐसे नाम रखेंगे मोबाइल अंडरस्कोर लॉग इन पेज, एंड्रॉयड अंडरस्कोर लॉग इन पेज, आईओएस अंडरस्कोर लॉग. तो हर पेज के लिए कितनी क्लास बनेंगी, 3, एक मोबाइल और एक एंड्रॉयड की अलग, एक आईओएस की अलग. कॉमन सारी चीजें कहां डाल देंगे, मोबाइल में, और उसको एक्सटेंड कर देंगे कहां, एंड्रॉयड में, और उसे एक्सटेंड कर देंगे कहां, आईओएस. जब हमें एंड्रॉयड का काम मिला था यही स्ट्रक्चर हमने बनाया, मोबाइल में रखी चीजें और एंड्रॉयड में क्या किया उसे एक्सटेंड, जो चीज स्पेशल हमें लगी एंड्रॉयड की है तो उसको कहां रखा, एंड्रॉयड में रखा. और लेकिन जब मेरे पास किसका काम आया, आईओएस का, तो हमने क्या किया उसी में इसको एक्सटेंड किया, जो काम हमें अलग से करना था वो इंप्लीमेंट किया, बात खत्म. बोलो आ रही बात समझ में, बिल्कुल. लोकेटर बदलेगा तो लोकेटर अगर बदलेगा, अच्छा हाँ ये इनका कहने का मतलब है कि लोकेटर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है कि हो सकता है भाई एंड्रॉयड का जैसे ये कह रहे हैं फंक्शनलिटी सेम है, मेथड का नाम सेम है वैलिड लॉगिन, काम भी क्या है सेम है, स्टेप्स भी क्या है सेम है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहे हैं ये कि लोकेटर, क्योंकि एंड्रॉयड का लोकेटर होगा क्या अलग और आईओएस का लोकेटर होगा क्या अलग. ठीक है तो आई थिंक इसी पेज के पेज फैक्ट्री में आता है ऐसा ऑप्शन ना, दो यूज करने का कि नहीं आता इसके, हम जहां मोबाइल एलिमेंट मेंशन करते हो उसके ऊपर दो मेंशन कर सकते हो कि नहीं एंड्रॉयड और आईओएस करके, नहीं है. अगर देखो पहले एक बार हम देखेंगे हम भी, अगर अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं. आप लोग याद करो आप लोग को जब फ्रेमवर्क पढ़ाया गया था तो एक तरीका बताया गया था ना कि लोकेटर का नाम आप क्या करो, लोकेटर की वैल्यू एक्स पास डायरेक्ट भेजो कि नहीं भेजो. आप ध्यान से समझो, हो सकता है आप एक क्या यूज कर लो, अच्छा ये तो आप सबको बताई गई प्रॉपर्टीज फाइल बताया गया है कि नहीं, बोलो बताया गया है ना. चलो हम एक प्रॉपर्टीज फाइल बनाएंगे, ध्यान से समझना, और प्रॉपर्टीज फाइल में क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं अप लॉगिन अंडरस्कोर यूजर नेम अंडरस्कोर ईडी, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, इक्वल्स टू यहां लिख दिए हम एंड्रॉयड का पाथ, एंड्रॉयड का जो बनाते हो तुम लोग एंड्रॉयड का भी एक्स पाथ बनता है ना, यहां लिख देना एंड्रॉयड का क्या एक्स पाथ, एक बराबर और लगाना, क्या लगाना एक बराबर चाहो तो क्या लगा देना और लगा देना, और नहीं तो चाहो तो एक ये बल लगा देना, क्या क्या लगाया हमने डबल है, और अब बना देना आईओएस का क्या अंडरस्कोर एक्स. बोलो ये तो कर सकते हो एप्लीकेशन में, जहां पे भी तुम लॉगिन करना वहां हमेशा क्या भेजना ये नाम, जब चलाओगे एंड्रॉयड और आईओएस पे तो कहीं तो लिखोगे ना कि प्लेटफॉर्म बराबर एंड्रॉयड या प्लेटफॉर्म बराबर क्या आईओएस. जब एंड्रॉयड लिखोगे तो इसी लोकेटर के जस्ट बराबर वाली वैल्यू को उठाएगा, और जब आईओएस लिखोगे तो कौन सी उठाएगा, आईओएस वाली उठाएगा. बोलो ये कैसे हो पाएगा, अरे प्रॉपर्टी फाइल याद है भाई,
कैसे यूज करते थे? अरे यार, न्यू प्रॉपर्टीज करके ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, प्रॉपर्टीज डॉट लोड करके क्या भेजते थे, याद करो, प्रॉपर्टीज डॉट लोड उसका मेथड था भाई। और आर्गुमेंट में ये फाइल का ऑब्जेक्ट बना के, इनपुट स्ट्रीम बना के इसमें क्या डाल देते थे, अपने आप प्रॉपर्टीज फाइल पूरी क्या हो जाती थी, लोड हो जाती थी। की भेजो वैल्यू मिलेगी, जब की लॉगिन अंडरस्कोर यूजर नेम अंडरस्कोर ईडी भेजोगे स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो वो क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा, तो क्या मिलेगी, ये मिलेगी। अब इतना गणित तो पता है ना, स्ट्रिंग है भाई, डबल हैश से इसको स्प्लिट कर दोगे, जीरो नंबर पे क्या है, एंड्रॉइड का एक्स पाथ है, वन नंबर पे क्या है, आईओएस का। हाँ, नहीं ऐसे रख दो, बस आसान है, कोई मुश्किल नहीं, जरा करना तो शुरू करो। अब यार देखो, फिर एक बात दिमाग में रखो, तुम लोग चीज ये गड़बड़ कर रहे हो, ऑफिस में जाके करना है काम ना, तो करके क्यों नहीं जा रहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा। वहां ये भी बताना है ना कि तुम 3-4 साल से काम कर रहे थे, तो 3-4 साल से काम करने वाले के हाथ में कुछ अलग नहीं होता, उसके काम में थोड़ी सफाई होती है, उसके काम में थोड़ी क्या होती है, स्पीड होती है, वही तुम्हारे काम में नहीं आएगी, और वो सिर्फ क्या होगी, लैक ऑफ प्रैक्टिस होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जरा मतलब बस इसी तरह से थोड़ा दिमाग तभी तो दौड़ेगा। ऐसे लगा दिए जहां पे हम मेथड कॉल करेंगे, जैसे मान लो लॉगिन पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने एक जेनरिक मेथड बनाया है, उसका नाम क्या रखेंगे, जैसे हमने एक मेथड बनाया उस पे मोबाइल लॉगिन पेज पे, पब्लिक वाइड, और क्या नाम रखा है इसका, वैलिड लॉगिन। अरे यार, यहाँ पे जैसे मोबाइल वेब यूटिल बनाए थे, हम अपनी एक क्लास बना दे, कौन सी रख दे उसका नाम, मोबाइल यूटिल नहीं रख सकते क्या, मॉब यूटिल करके रख दे, ऑब्जेक्ट बना के इसका स्टार्ट करेंगे, कौन सा मेथड कॉल करेंगे, सेंड कीज क्या, हम तो अपना बनाए होंगे ना, चाहे तो नाम सेंड कीज रखे हो, चाहे तो नाम क्या रखे हो, इनपुट वैल्यू रखे हो। अब क्या मांगेगा, दो आर्गुमेंट तो मेथड मांगता है, एक लोकेटर और दूसरा वैल्यू। अरे लोकेटर के नाम पे भैया ये भेज दोगे किसके नाम पे, लोकेटर के नाम पे, और दूसरा भेज दोगे मान लो यूजर नेम एडमिन है, तो क्या भेज दोगे भाई, एडमिन। अरे यार, जब ये चलेगा ना, तो इस इनपुट वैल्यू मेथड के अंदर इफ लगा के चेक कर लोगे कि एंड्रॉइड चल रहा है कि क्या आईओएस। एंड्रॉइड चल रहा होगा तो तुम इसको क्या करोगे, की जो वैल्यू उठाओगे उसको जीरो वाले पे जो उठाओगे वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंड्रॉइड, और वन वाले को उठाओगे तो किस पे काम करेगा, आईओएस। अरे यार, अंदर कहीं इनपुट वैल्यू मेथड के अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, या वो अगर तुम गेट एलिमेंट बना दो, जैसे सेम वेब एलिमेंट के लिए किया था यार वेब ड्राइवर वाला, वही सेम चीज तुमको इंप्लीमेंट करनी है, और इसलिए तो कह रहे सब कुछ सेम है। अगर तुम्हें सोचने वाइज किया जाए, इंप्लीमेंटेशन वाइज किया जाए, तो तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है, एग्जैक्ट सेम है, तो ये काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो एंड्रॉयड और आईओएस पे क्या हो, अलग अलग। जैसे मान लो एंड्रॉयड पे सिलेक्ट करनी है एज एक ड्रॉप डाउन से, और ऐसा ही करना है कहां से, आईओएस से। तो जरा इम्यूलेटर सिम्युलेटर देख लिए हो ना, तो एप्लीकेशन जरा ट्राई करके तो देखो, इम्यूलेटर और सिम्युलेटर पे मैनुअली चला के देखो यार, ऑटोमेशन नहीं पहले कैसे चला के देखो मैनुअली, तुमको अंतर दिखेगा, तुम्हें तभी तो पता चलेगा एंड्रॉयड और आईओएस में भाई क्या अंतर है। ड्रॉप डाउन अलग ढंग से दोनों के होते हैं, ड्रॉप डाउन दोनों के क्या होते हैं, अलग ढंग से होते हैं, दोनों का कोड सेम नहीं होता, ध्यान से समझना, दोनों का कोड सेम नहीं होता। तो जानते हो क्या करोगे, ड्रॉप डाउन हैंडल करने का जो वो बनाओगे, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने का जो वो बनाओगे, वो हो सकता है वो कहां कॉल करोगे, एंड्रॉयड में अलग कॉल करोगे, और आईओएस में क्या करोगे, अलग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसीलिए हम तीन एक पेज के लिए कितनी क्लास बनाने वाले हैं, तीन। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कॉमन लगेगा कहाँ रखेंगे, मोबाइल पेज में, मोबाइल लॉगिन पेज में, जो एंड्रॉयड के लिए स्पेशली होगा, जो चीज एंड्रॉयड में होगी आईओएस में नहीं होगी वो कहाँ रखेंगे, एंड्रॉयड में, जो चीज आईओएस में होगी एंड्रॉयड में वो कहाँ रखेंगे, आईओएस। और इम्प्लीमेंटेशन हम इनका इस तरह से सेम क्या कर देंगे, कर देंगे, और फिर टेस्ट केसेस में कॉल करके वही वही भाई बेस टेस्ट मेथड वहां था ना, बेस टेस्ट मेथड
वहां होगा टेस्ट एंट्री थोड़ी ना बदलने वाला है, वहां भी पेज वाइज क्लास कॉल कर रहे थे, यहां भी क्या कॉल करोगे? वही यही यही सुनना चाहता है। तुम बोलना कि जब मोबाइल का फ्रेमवर्क वो हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, तब उस टाइम पे हम थे और हमने फिर 6 महीने 8 महीने साल भर इस पे क्या किया, काम किया। और फिर ये बोलना इस बात पे जोर देके कि हमने अपना फ्रेमवर्क बनाने के टाइम पे हमें काम तो मिला था, पहले एंड्रॉयड था, बट हमने उस हिसाब से प्लान किया कि जब फ्यूचर में आईओएस का काम आए तो 85% 90% वर्क क्या रहे, डन रहे, क्योंकि दोनों में फंक्शनलिटी लगभग क्या थी, सेम होती। That's why we have created 3 page classes for each page. One for mobile page, Android page, iOS page. Whatever is common in Android and mobile, Android and iOS, that is in mobile and that is extended in 2 classes. बस यही structure बनाया और फिर same automation किया, कहीं कोई अंतर नहीं। और भाई APM के challenge तो आएंगे ही, session not created आएगा, कई बार चीजें विंडोज अपडेट होने पे भी कई बार दिक्कत हो जाएगी, कुछ चें, चें, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इंस्टॉलेशन की आएगी। और बताना कि हमको 4-5 दिन लगा था, 6 दिन लगा था इसको क्या करने, इंस्टॉल करने, दिक्कतें आ रही थी बार बार, हम जो एक्सेप्शंस थे जिस लाइन पे आता था गूगल पे सर्च कर करके हमने उसे क्या किया, उसको चलाया, ठीक है। और इसके बाद जब हम ऑटोमेशन कर रहे थे फ्रेमवर्क बनाने के बाद, फ्रेमवर्क बनाने के बाद अच्छा और एक चैलेंज, स्क्रोल के 4-6 मेथड, किसके, स्क्रोल के। कई बार मोबाइल पे ये दिक्कत आती है, याद रखना मोबाइल पे ये दिक्कत आएगी, जहां क्लिक कराने को बोलोगे, जैसे सिलेनियम नहीं करता, कहीं क्लिक करने को बोलो ऊपर नीचे करके खुद ही क्लिक कर लेता है ना, वैसा ही मोबाइल भी कर, ऐसा ही इससे भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन मोबाइल में भी वेब पे भी ऐसा होता है, कई बार वो वहां पे स्क्रोल नहीं कर पाता, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या ऐसे कोई फालतू पे क्या देता है एक्सेप्शन। तो कई बार हम क्या कराते हैं वहां पे, वेब पे भी क्या कराते हैं, स्क्रोल ना, वही स्क्रोल इस पे क्या कराना पड़ता है, ज्यादा कराना पड़ता है। जैसे वहां 10% जगहों पे कराना पड़ता है, यहाँ पे कई बार जो चीज सामने नहीं है वैसे 20-25% चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल कराना पड़ता है ऊपर नीचे, तो एक स्क्रोलिंग और बार बार ये एक्सेप्शंस आना। चलो कुछ एक्सेप्शंस बता दी जाएंगे, ये चीज कई बार होगी। जैसे मान लो कहीं एप्लीकेशन में तुम्हारा जैसे मोबाइल है, इसी में एक छोटा सा सेक्शन बना है, उस सेक्शन के अंदर कहीं क्लिक करना है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जब तुम इंस्पेक्ट कर रहे हो तो वो जिस पे क्लिक करना है वो इंस्पेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो पूरा सेक्शन को ही क्या कर दे रहा है, इंस्पेक्ट कर दे रहा है, या पूरी स्क्रीन को ही क्या कर दे रहा है, इंस्पेक्ट कर दे रहा है, समझ। हाँ 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 नहीं देखो, ये अगर चैलेंज आता भी, अगर इनकेस ये चैलेंज आता है तो पहली बात तो देखो, ये हमने सॉल्व किया नहीं किया, अगर डायरेक्टली नहीं चल रहा है, वो इंस्पेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे पास किसका ऑप्शन है, उसके कोऑर्डिनेट्स यूज करने का। अब जो कोऑर्डिनेट्स यूज करना है तो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग, मान लो हमें अलग अलग डिवाइसेस पे टेस्ट करना है, तो उस सिचुएशन में भाई हम क्या करेंगे, या तो ऐसा रखेंगे कि फिर समझ रहे हो, एक प्रॉपर्टी फाइल और बनाएंगे और उस प्रॉपर्टी फाइल में हम लिखेंगे भैया कि इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, और वहां जब मेरा कोड चलेगा तो कोड कंडीशन में चेक करेगा किसके लिए चल रहा है। याद करो तुम लोगों को एक चीज बताई गई होगी, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज बताई गई है ना, जिसके अंदर होता है क्या, यूजर नेम पासवर्ड, अक्सर यूजर नेम पासवर्ड, टेस्ट डेटा का पाथ, और क्या रिपोर्ट कहाँ जनरेट होगी उसका पाथ, इन्वायरमेंट कौन सा होगा, या वहीं पे ये भी रहेगा प्लेटफॉर्म क्या होगा। अब जैसे प्लेटफॉर्म जिस तुमको एंड्रॉइड पे चलाना है तो बंदा कैसे चलाएगा, वो उस कॉन्फिग डॉट एक्स प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, खोलेगा वहां प्लेटफॉर्म बराबर अगर क्या लिखा है एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड हटा के लिख देगा क्या
आईओएस सेव करेगा और रन करेगा, और उसका जो कोड चलेगा तो पहले उसको रीड करेगा कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है। इफ कंडीशन में चलाएगा, इफ ये वो है तो एंड्रॉइड के लिए चलेगा, अदरवाइज उसके लिए चलेगा। आईओएस में जिसको भी जरूरत पड़ेगा उस कॉन्फिगर प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, रीड करके वहां से चेक कर लेगा कि इस बार चल किसके लिए रहा है, एंड्रॉइड के लिए या आईओएस के लिए। पहली बात तो इम्यूलेटर का नाम यूज ही नहीं करते, इम्यूलेटर की झंझट ही खत्म करो, कह दो हम लोग इम्यूलेटर यूज नहीं करते, हम लोग रियल डिवाइस पे करते, लेकिन कई बार करना भी पड़ता है, चलो उसके लिए भी जो चीजें हैं बता दी जाएंगी, लेकिन बहुत देखो हाँ बहुत स्लो चलता है जो इम्यूलेटर है, वो बहुत क्या चलता है, स्लो चलता है, सबसे पहला ड्रॉबैक। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, चीज इम्यूलेटर पे चला दिए, मेहनत करके बना दिए, वो डिवाइस पे चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि इम्यूलेटर पे चलाई गई चीज जब एंड्रॉइड पे उस पर चलने की बारी आती है, डिवाइस पे तो चलता नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कई बार ऐसा भी हुआ कि इम्यूलेटर पे चल रहा है, नहीं चल रहा है लेकिन डिवाइस पे चल रहा है। फिर सोचा ये जाता है कि आखिर कस्टमर तो इम्यूलेटर नहीं यूज करने वाला ना, आखिर कस्टमर तो इम्यूलेटर यूज नहीं करने वाला ना, असली टेस्टिंग तो क्या है। अगर ऐसा होता कि 99% केसेस में इम्यूलेटर और डिवाइस दोनों सेम बिहेव करते तो हम लोग कहते कि चलो इम्यूलेटर पे कर लेंगे, तो मान के चलेंगे 99% किस पे चल रहा है, डिवाइस पे चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा अंतर है, इसीलिए इम्यूलेटर पे हम लोग करते ही नहीं। स्लो भी चलेगा, रियल वो फायदा नहीं देगा, रियल वो मतलब उस टेस्टिंग का बहुत मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता है वहां का टेस्ट पे टेस्ट करके कह रहे हैं सब चल रहा है, लेकिन जब बारी आए चलने के सिस्टम पे तो चलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसलिए ये कमियां, इसलिए कह देना भाई हम इम्यूलेटर पे टेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर ये जोड़ना नहीं करते, लेकिन बट If I will have to do, then I can do. हमें ये पता है कि दोनों में क्या आते हैं, मतलब कई बार ऐसा हो गया चीज वहां चल रही है वहां नहीं चल रही है, वहां नहीं चल रही है वहां चल रही है, हम वहां क्यों सही करने के चक्कर में पड़े। लेकिन इसका इम्यूलेटर का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, कम से कम आप टेस्टिंग तो कर सकते हो बिना मोबाइल के, आपको हर कॉन्फ़िगरेशन के हर साइज के मोबाइल खरीदने या परचेज करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कह देना अच्छा, अब बीच की एक चीज आई, जानते हैं क्या जो ये बोल रहे पूछेंगे आपसे, ब्राउजर स्टैक। यार इनको बता देना लिंक 2 घंटे का फ्री होता है, 2 घंटे का फ्री देता है ये ब्राउजर स्टैक, सब लोग जरा ट्राई करो, कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना, ब्राउजर स्टैक पे जानते हो, जानते हो क्या देता है, जादू जैसा है, असली मोबाइल तुमको देगा बिना मोबाइल के। मोबाइल उसने कहीं अमेरिका में रखी हुई है, हर तरह की मोबाइल उसके पास, हर कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉयड 8 के साथ जो जो मोबाइल है, 9 के साथ, 10 के साथ, सब के उसके पास 3,000-4,000 से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं। कितने हैं? 3,000 से ज्यादा। एंड्रॉयड 8 देखो, जो एंड्रॉयड 8 अभी 12-14 चल रहा होगा, या एंड्रॉयड 9 का सैमसंग के मोबाइल पे 7, भाई अगर टेस्टिंग करने की असली बात की अच्छे बताओ, फ्लिपकार्ट कौन कौन यूज कर रहा है, सभी यूज कर रहा है ना, नया मोबाइल वाला भी यूज कर रहा है बंदा, पुराना वाला भी यूज कर रहा है, सैमसंग वाला भी यूज कर रहा है, रियलमी वाला भी यूज कर रहा है, ऐसे करके 5 इंच वाला भी यूज कर रहा है, 8 इंच वाला भी कर रहा है। तो फ्लिपकार्ट वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सारी कॉन्फ़िगरेशन पे इसको टेस्ट करें, हर डिवाइस पे हर वर्जन के साथ ये परफेक्ट काम करे। सोचो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, तुम्हें सोचो अगर एंड्रॉइड 15 चल रहा होगा तो कम से कम मार्केट में कम से कम ऐसी 15 डिवाइसेस चल रहे होंगे जिनका खूब धुआंधार यूज हो रहा होगा और पूरे सब लोग इंडिया में यूज कर रहे होंगे। तो एंड्रॉइड 15 के साथ 15-20 टाइप के जो फोन है उनकी टेस्टिंग बनती है कि नहीं बनती? फिर बहुत सबके पास एंड्रॉइड 15 थोड़ी ना है, किसी के पास क्या है 14, किसी के पास क्या है 13 है किसी के पास, तो सब पे सबकी टेस्टिंग करोगे कितनी कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे बताओ, सैकड़ों। अब इतने मोबाइल इतनी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना संभव नहीं है, कितने मोबाइल ले आओगे यार,
हर मोबाइल पे अलग अलग वर्जन डाल के, तो इसलिए आए पिक्चर में कौन, ये लोग, ब्राउजर स्टैक एक और फेमस है, लैब्स और एक और भी अब तो शायद, हाँ चाहिए ये भी है लैम्डा टेक्स्ट, देख रहे हो ये लोग क्या है जानते हो, ये लोग कहते हैं कि हम आपको जो फोन चाहिए, जो डिवाइस चाहिए, आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको क्लाउड पे देंगे। किस पे? क्लाउड पे। मतलब आपको जो फोन चाहिए जैसा चाहिए, तो तुम कहोगे क्लाउड पे कैसे देंगे, ये तो नकली हो गया, वो इमुलेटर नहीं देंगे। सही बता दे क्या है जानते हो, उनके पास, इन कंपनियों के पास असली एक फोन रखा होगा। क्या रखा होगा? असली असली उस फोन एक रख, एक ही नहीं, हर तरह के एक एक फोन रखे गए होंगे। लेकिन ब्राउजर स्टैक को सॉस लैब्स को यूज करने वाले कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं, दुनिया में लाखों कंपनियां इस समय इसको यूज कर रही हैं टेस्टिंग के लिए। लेकिन इनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि हर एक मोबाइल की ये सैकड़ों हजारों कॉपियां क्या कर देते हैं, असली कॉपियां बना देते हैं, और हर आदमी को एक एक कॉपी अपनी टेस्टिंग के लिए मिल जाती। जानते हो इनका क्या करोगे? इसमें कोई मोबाइल मोबाइल कुछ कोई ड्रामा नहीं, ये बहुत आसान है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, अपना कोड लिखना है, जो ये नहीं देते डिजायर्ड कैपेबिलिटी, वहीं से बता देना है, वहीं से यूआरएल दे दोगे ब्राउजर स्टैक का, वहीं से बता दोगे हमें ये मोबाइल चाहिए, ये वर्जन चाहिए, इसके साथ चाहिए, बस लिख दो, अपने आप यहां से रन करोगे। यहां कुछ मोबाइल वाइल नहीं तुम्हारे पास ना, वो उनके क्लाउड पे उनके यहां क्या कर रहा होगा, चलेगा, और तुमको यहाँ रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम चाहोगे तो लॉग इन करके अंदर जाके चलता हुआ पुराना वीडियो देख सकते हो, कि ऐसा तो नहीं फर्जी कह रहा है चल गया, एकदम सही चलेगा। वो तुम्हारे लिए क्लाउड पे एक मोबाइल तुम्हारे लिए फट से ऑन करेंगे, जैसे तुम उसने स्क्रिप्ट चलाए, तुम्हारे लिए मोबाइल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, उस पे चीज क्या होगी, चलेगी और तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे फ्लिपकार्ट जैसे लोगों को, जिनको लगता है कि मेरे पास सैकड़ों ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जिनपे हमें टेस्टिंग करनी है, तो वो ब्राउजर स्टैक, सॉस लैब्स, लैम्डा टेस्ट, इन लोगों से क्या करते हैं, बात करते हैं कि भैया हमें आपकी सर्विस चाहिए, वही कोड लिखे रहेंगे, बस हम लूप में डाल दें कोड को, हम किसमें कोड को किसमें डाल दें, लूप में डाल दें, प्रॉपर्टीज फाइल में दे दें कि हमें कौन कौन से रन, कौन कौन से डिवाइस पे चलाना है, और वो एक एक करके सब पे टेस्ट करेगा। ये सब कुछ संभव है कैसे, ब्राउजर, जरा इसको देखना सब लोग, पहले आज लॉग इन करना, फ्री अकाउंट बनता है, ब्राउजर स्टैक, सॉस लैब्स, और कौन है, लैम्डा टेस्ट, कोई भी एक, एक दो घंटे का। लेकिन जानते हो बड़ा महंगा है ये, मिनट के हिसाब से पैसा लगता है, एक कंपनी का, कंपनियां जो चलवाती हैं, एक एक प्रोजेक्ट में बिल होता है चार चार छः छः आठ आठ लाख रुपए का, हफ्ते का, महीने का, इतना पैसा ये लेते हैं, मिनट के हिसाब से लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रिप्ट चली ना एक चार मिनट, तो देखोगे 1.5-2 रुपए मिनट पड़ता है, 8 रुपए लग गया तुरंत एक स्क्रिप्ट बस चलाने का। कंपनियां तो लेते हैं पूरा वैसे एंटरप्राइज पैकेज लेती हैं, लेकिन फिर भी बहुत महंगा है ये, लेकिन तब भी कंपनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए इतना पैसा मैटर भी नहीं करता। तो ये याद रख लो, ये बहुत चलता है, अक्सर जगहों पे तुमको ये मिलेगा, और ये आने से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, आसान हो जाएगी, कोई ड्रामा नहीं करना, कोई सेटिंग मीटिंग नहीं करना, ये सब मोबाइल असली है ही नहीं, लेकिन चीज असली, काम असली मोबाइल का करेगा, उस पे चीज चल रही है तो इस मोबाइल पे चलेगी ही चलेगी, वहां टेस्टिंग असली मोबाइल पे हो रही है, लेकिन वो मोबाइल आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्लाउड पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ब्राउजर स्टैक, सॉस लैब्स और लैम्डा टेस्ट। अगर आपको कहोगे, ध्यान समझना पहले बात, अगर आप कह देते हो कि हमने ब्राउजर स्टैक यूज किया है, तो भैया बस लॉग इन करके देख लो, प्रदीप सर बता देंगे, 2 लाइन डालोगे, वही चीज रियल यहाँ तुम्हारे बगल वाले फोन के बजाय कहाँ चलना शुरू कर देगा, जो ब्राउजर स्टैक या सॉस लैब्स होगा ना, उसका यूआरएल मिलेगा आपको, यूजर नेम मिलेगा, और क्या मिलेगा, पासवर्ड, जब स्क्रिप्ट चलेगी उसमें सब भेजोगे ना, तो अपने आप सब कहाँ चलना शुरू हो जाएगा। 2 घंटे का डेमो देते हैं ये लोग फ्री, हाँ यार देख सकते हो कि कल फेल हुई थी तो कहाँ हुई थी, क्या नहीं हुई थी, जो चीज चलेगी उसकी रिकॉर्डिंग करके भी क्या कर देगा तुम्हारे अकाउंट में,
स्टोर कर देगा, तुम ब्राउजर स्टैक का यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा भाई, यूआरएल होगा और चीजें तुम्हारे लिए वो कहाँ चलाएगा, क्लाउड पे। इसका ब्राउजर स्टैक स्टैक का परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बहुत रोल नहीं है, अगर कर लेते भी हो तो बड़ा महंगा है भाई। ये लोग मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, ये किसके हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए तो हम लोग जेमीटर और ये चीजें ही इन्हीं चीजों पे रिलाई करते हैं। अब इनसे तुम मांग लोगे भाई परफॉर्मेंस टेस्टिंग का क्या मतलब है, फ्लिपकार्ट को 50 लोग थोड़ी यूज करने वाले हैं यार। अब इनसे कहोगे वही लॉग इन 10,000 डिवाइस में चला दो, कहेंगे चला दो, लेकिन हर डिवाइस पे लॉगिन ने 2 मिनट लिया तो 10,000 डिवाइस पे कितना ले लिया, 20,000 मिनट में चार्ज बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जनरली हम इससे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने की कोशिश नहीं करते। क्लियर है ये बात? अच्छा एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, और ये बताइए आप लोग यूज कर रहे हैं ना मोबाइल फ्लिपकार्ट का भी, और किसका यूज कर रहे हैं, और लैपटॉप से भी यूज करते हैं ना, अमेजन भी आप यूज करते हैं ना, काम लगभग सेम है कि नहीं? वहां भी क्या करते हो पहले बताओ, रजिस्ट्रेशन करते हो, यहां पे भी क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, वहां भी क्या करते हो, लॉगिन करते हो, यहां भी क्या करते हो, लॉगिन करते हो, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ चलते हैं, वहां भी जाके प्रोडक्ट क्या करते हो, सर्च करते हो, वेब पे भी और मोबाइल पे भी क्या करते हो, सर्च करते हो, काम सेम नहीं करते। अच्छा जब तुम लिखते होगे मोबाइल पे ऐप में खोल के कि लिखते होगे iPhone 15, तो कहां से लाता हो, डेटा सर्वर से, डेटाबेस से? भाई अमेज़न के पास कौन कौन से आईफोन 15 के मॉडल हैं या क्या है उसके पास, कहां रखा हुआ है, सब डेटाबेस में ना, सर्वर पे सब डेटाबेस में रखा है कि नहीं? सब चीज जो उठ के आता है, ये फोटो पिक्चर सब कहां से आता है, सब डेटाबेस में रखा है भाई, सब कहां रखा है, डेटाबेस। प्रोडक्ट सर्च करते हो जो खुल के आता है, कहां से आता है, मोबाइल में नहीं है भाई, कहां से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। सर्वर में भी एक मेन चीज क्या है, डेटाबेस, जहां पे सब कुछ लिखा है, इसकी साइज क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और वहीं से उठ के वो आपको यहां पे दिखाता है। और एप्लीकेशन यही तो होता है ना यार, तो बताओ सर्च करते हो जब आईफोन मोबाइल से, या सर्च फोन सर्च करते हो आईफोन किससे, लैपटॉप से, तो जाके आता तो डेटाबेस से ही है ना यार, वो तो कॉमन है ना, वहां से उठाने का कोड क्या है, कॉमन है ना। मेरी बात समझो, हम समझाना क्यों चाह रहे हैं, एपीआई के बारे में जरा सोच के देखो यार, एपीआई क्या करता है, एपीआई कहीं डाल देते हैं, उसका एक यूआरएल होता है, तुमसे क्या मांगता है, गेट बोल रहा है तो यूआरएल मांगता है, पोस्ट रहता है तो यूआरएल के साथ साथ क्या मांगता है, जेसन मांगता है ना कि भैया क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है, तो पोस्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा, पोस्ट होगा ना, और वो तुमसे क्या मांगेगा, यूआरएल मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए मांगेगा, और बाकी क्या मांगेगा, जेसन में बॉडी बोलते हैं ना उसको, याद रखना उसको 2-3 नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जेसन बॉडी, या एक और नाम चलता है खूब, पेलोड। पेलोड का मतलब कुछ अलग से मत समझना, जेसन पेलोड बोले या जेसन बॉडी जो पोस्ट में डेटा भेज रहा हो या पुट में जो भेजते नहीं हो, पोस्ट पुट और पैच, इन तीन में डेटा भेजते हो ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, जेसन पेलोड या जेसन बॉडी, यहीं से तो डेटा भेजते हो, लिख दोगे फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम फलाना है, मोबाइल नंबर ये, और फिर रिक्वेस्ट भेजते हो तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना। अरे यार जब तुम अपने वेब यूज करते हो, फॉर्म मिलता है, वहां फ्लिपकार्ट पे जाते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो क्या डालते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब 7-8 चीज मांगता है ना। और जैसे ही तुम सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, जानते हो एक रिक्वेस्ट जाती, और ये तुम्हारे डेटा का एक जेसन बनता है, बनाता है वो पीछे, और फिर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट हिट करता है, एक क्या हिट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट, और वो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, इस डेटा को लेके पोस्ट बाय रिक्वेस्ट हिट होती है। और जानते हो एपीआई में क्या होता है, डेवलपर ने कोड लिखा होता है ना, तुम नहीं लिखते हो कोड भाई, कौन लिखा होता है, डेवलपर। डेवलपर का कोड क्या करता है, तुम्हारे डेटा को चेक करता है, अगर वो क्या है, सही है, तो तुमको क्या करता है, वो जाके डेटाबेस में डाल देता है, और तुमको रिस्पॉन्स दे देता है क्या, 200 या 201। अगर वही तुम्हारा डेटा वो गलत होता है,
वही जाती है, वही पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, वही जा रही है, डेटा गलत है तो क्या देता है, बैड रिक्वेस्ट ना 400। अगर यू अगर होता है कि नहीं होता, बोलो याद है। और यही काम चाहो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो एपीआई से ना, तो सिखाया गया था आप लोग को ना यार, आपने उस एप्लीकेशन से कंपेयर करके देखा होगा कौन सा था, एजेंसी यार। आप डायरेक्टली क्या करो एपीआई को, क्या करो यूआरएल लो और जो इन्फॉर्मेशन डालनी है डालो, हिट करो, वो डाके डायरेक्टली क्या कर दे रहा था, चीजें बना दे रहा था कि नहीं बना दे रहा था। इसके बाद में दोबारा लॉग इन करके रिफ्रेश कर रहे थे तो बना हुआ अकाउंट दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। यूआई भी पीछे किसे कॉल करता है, एपीआई को ना, और एपीआई जाके डेटाबेस में डालता है या डेटाबेस से निकाल के लाता है। ये बात क्लियर है सबको? अरे यार जब फंक्शनलिटी सेम है, एपीआई के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब लोग मोबाइल और वेब दोनों में फंक्शनलिटी, तो पीछे क्या होती है, एक एपीआई में लिख देने का फायदा ये होता है एपीआई बना देने का, कि वही एपीआई वेब से भी कॉल हो गई, वही एपीआई किससे कॉल हो गई, मोबाइल से, दो बार नहीं बनाना पड़ा। अगर डेवलपर्स एपीआई के कंसेप्ट को इस्तेमाल नहीं करता तो जानते हो क्या होता, वो पहले वेब के लिए पूरा डेवलपमेंट करता, फिर देखता मार्केट में मोबाइल खूब चल रहा भाई, तो चलो नई टीम बनाओ और किससे काम करो मोबाइल पे, और मोबाइल वाले सब कुछ फिर से बनाते, टाइम डबल नहीं हो जाता। सोचो लेकिन लोग कितने समझदार थे, उन्होंने क्या बनाई एपीआई, उन्होंने क्या बनाई एपीआई, और एपीआई जाके डेटाबेस से डेटा ले आ रहा है, और डेटाबेस से डेटा उसका लॉजिक लिख दिया कहां, एपीआई के अंदर, और वही एपीआई कॉल की कहां, वेब में, वही एपीआई कहां कॉल की, वेब में। जब मोबाइल के डेवलपमेंट की बारी आई तो मोबाइल वाले को पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको भी ये काम करने का, डेटाबेस से लाने जाने का सारा एपीआई, एपीआई तो थी ना, उसी एपीआई को इसने भी क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब एपीआई का एक बहुत बड़ा बेनिफिट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ नहीं, सेलेनियम तो अलग टाइप की एपीआई नहीं, उसका आर्किटेक्चर जो है पहले तो जेसन वायर प्रोटोकॉल था, अब तो अलग हो गया, उसको बताते हैं। लेकिन ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये क्या है, वेब एपीआई। क्या, कौन सी एपीआई है, वेब एपीआई है, जिनको बोलते हैं क्या, वेब सर्विस। क्या बोलते हैं, वेब एपीआई या वेब सर्विस। इसका फायदा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आप तुम खुद सोचो, तुमने एपीआई डायरेक्ट हिट करके रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं, तुमने एपीआई करके वहां से डेटा इंफॉर्मेशन लाया कि नहीं, अंदर लॉजिक कहां लिखा है एपीआई में ना, तुम वही वेब से कॉल हो, वही मोबाइल से काम हो, आखिर मोबाइल पे भी तो डेटा ही दिखता है, वही फोटो, वही प्रोडक्ट, वही लिस्टिंग, वही सब कुछ मिलता है ना, और वैसा ही कहां मिलता है, वेब पे भी मिलता। यही एपीआई का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एपीआई कॉमन मोबाइल के लिए भी काम करती है, कई एपीआई, और किसके लिए काम करती है, वेब के लिए काम। और एपीआई एपीआई टेस्टिंग का भैया ये तो याद रखना, फायदा क्या है, आप टेस्टिंग उसके एप्लीकेशन, भाई देखो जो फंक्शनलिटी होती है उसका लॉजिक तो कहां लिखा होता है, एपीआई में ना। आप वही चीज यूआई पे टेस्ट करोगे तो आपको 10 घंटा लगेगा, लेकिन भाई एपीआई से करोगे तो आधे घंटे पौने घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, तो रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे, आपको जल्दी पता हो जाएगा चीजें सही से काम कर रही है कि नहीं, फंक्शनलिटी वर्किंग है कि नहीं। अगर एपीआई में चीज नहीं काम कर रही है तो यूआई पे काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना भाई। एपीआई टेस्टिंग करके हमें पहले पता चल जाता है ना कि एप्लीकेशन के लॉजिक से पीछे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब यूआई से भी चला के देखोगे तो यूआई भी तो पीछे उन्हीं को कॉल करेगा। क्लियर है ये? तो चलो भाई देखो, अब से हम डेली आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा, आप लोग भी कुछ डेली करेंगे नहीं फिर आप लोग गड़बड़ करते हैं। तब यही आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है, चल रहा हो बहुत, नहीं चल रहा हो, लेकिन एपीएम सब पे कंपाइल हो रहा है ना, तो सबसे पहले फटाफट आपको ये करना है जेनरिक मेथड्स बनाने। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, वेब वाले जेनरिक मेथड उठाइए, कॉपी करके क्या मारिए, पेस्ट, कॉपी करके क्या मारिए, पेस्ट, और अंदर का कोड हटा के आप मोबाइल का कोड डाल दीजिए, या अलग से बना दीजिए, क्लिक सेंड कीज गेट, वहां से देख लीजिए क्या क्या बनाना है, जो वहां करना है वही लगभग क्या करना है, यहां करना है 5-6 मेथड्स आपको स्क्रोलिंग के अलग से दे दिए जाएंगे। हाँ चलो, इसी तरह थोड़ा काम करो तो पढ़ाने का मेरा भी मन करे। CI/CD बहुत जरूरी चीज है, ये टूल है जेनकिंस, पहले हडसन था नाम, अब जेनकिंस है, अब एक और भी आ चुका है मार्केट में, गिटहब एक्शंस है,
ये जानते हो क्या करते हैं, जैसे यहाँ चला रहे हैं ना, अभी तुम बनाते हो स्क्रिप्ट यहाँ चलाते हो ना, अब 10 घंटे यहाँ चला दोगे तो तुम क्या करोगे भाई, बैठ के देखोगे? सीआईसीडी इसलिए है कि स्क्रिप्ट जो होगी यहाँ रखा है, तुम यहाँ पे है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, मतलब तुमको चलाओगे सब सर्वर पे चलेगा, तुम डिस्टर्ब नहीं होगे, तुमको रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ होगा, समझ रहे हो? और तुम उसमें बहुत उसमें बड़े काम है, जैसे एक ये है आप लोगों का कि भाई जैसे इसका कि जब कहोगे शेड्यूल कर दोगे रोज सुबह 9 बजे चलने के लिए, तो अपने आप रोज सुबह 9 बजे तुम्हारी स्क्रिप्ट स्मोक रिग्रेशन सब अपने आप चलेंगी, रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट भी देखने नहीं जाना, रिजल्ट सबको मेल हो जाएगा, समझ रहे हो? ये है सीआईसीडी। और एक चीज बताओ, गिट देखे ना, गिट पे क्या रखोगे कोड ना, सीआईसीडी मतलब इसका जानते हो एक क्वालिटी और क्या है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम अपने गिट पे कोड डालो और अपने आप तुम्हारा ऑटोमेशन चलने लगे, इसीलिए नाम क्या है सीआई क्यों है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ये तुम्हारे कोड को मतलब उससे क्या कर सकते हो, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे तुम्हारे तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, तुम्हें क्या करना है, ऑटोमेट किए हो तो तुम्हें चला के देखना है ना, यही काम करना है ना, तुम ऑटोमेट करके पुश करो कोड वो चलने लगेगा। अच्छा क्यों स्मोक क्यों ऑटोमेट किए हो बताओ, मेन बेसिक फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए। अच्छा डेवलपर क्या करता है, जैसे तुम गिट यूज देखे ना, गिट देखे तो सही, तुम भी गिट यूज करते हो, डेवलपर भी यूज करता है गिट, डेवलपर कोड कहाँ रखता है, जो डेवलप करता है बनाता है वो कहाँ रखता है, गिट पे, और गिट के बाद सर्वर पे क्या करता है, डिप्लॉय करता है ना, डिप्लॉय कराने में रोल किसका है, जेनकिंस का। गिट है वो जगह जहां कोड रखा जाएगा और उसे सर्वर पे कहाँ उसको डिप्लॉय करना है, ये काम किसके थ्रू हम करवाएंगे, डेवलपर कराता है जेनकिंस के थ्रू। तो बताओ अच्छा डेवलपर अगर कोड करे डिप्लॉय तो कर देना चाहिए, टेस्ट तो होना चाहिए ना थोड़ा, तो तुम चाहते हो कि जब डेवलपर कोड डिप्लॉय करने की कोशिश करे तो डिप्लॉय होने से पहले अपने आप स्मोक के टेस्ट केसेस क्या हो जाए, चलने लगे, जब वो पास हो जाए तो डिप्लॉय करने कर दे, और अगर वो फेल हो जाए तो रोक दे, कह दे डिप्लॉयमेंट बंद करो, अभी स्मोक क्या हुआ है, फेल हुआ, ये चाहते हो। अब ये आदमी को करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कैसा हर चीजें आपस में कंटिन्यूअसली क्या है, एक तरह से मान के चलो कनेक्टेड है, एक चीज को बस क्या करो उसको एक चीज स्टार्ट करोगे अपने आप चीजें उठा उठा के चीजें करना स्टार्ट कर देगा। ये सब काम पहले मैनुअली करने पड़ते थे, तो इसीलिए हम लोग जानते हो पहले कंपनीज में होता था कि डिप्लॉयमेंट है आज, डिप्लॉयमेंट है आज, ऐसे होता था तो पता चलता था कि दो दो दिन लोग परेशान रहते थे। ये सब जो बीच के काम थे जो पहले ये मैनुअली आदमी करते थे, वो सब काम अब किसके थ्रू किए जाने लगे, जेनकिंस के थ्रू, किसके थ्रू करके जाने लगे, जेनकिंस और गिट के सहारे के, गिट पे कोड रखा रहेगा और जेनकिंस के सहारे जेनकिंस क्या करेगा उनको चलवाएगा, जो जो चीजें करनी है, डिप्लॉय करने से पहले स्मोक चलाना है स्मोक चला देगा, अगर मान लो ये इस डिप्लॉयमेंट में अकाउंट के टेस्ट केसेस आए, तुम चाहते हो अकाउंट के टेस्ट केसेस भी चले, तो ऐसी सेटिंग कर दोगे वो अपने आप तुम्हारे लिए सारी चीजें करके तब डिप्लॉयमेंट करेगा। ये डेवलप मतलब बहुत कुछ कर सकता है, बस ये जान लो, और इम्पोर्टेंट चीज भी है, इसलिए जरा तब मेहनत से करो, कम से कम इतना स्टार्ट करो पहले, ये जेनरिक मेथड आज से इसके स्टार्ट करो, अभी इसके सारे जेनरिक मेथड तैयार करो और पेज वाइज क्लासेस एक दो पेज के लिए बनाओ, हम कहाँ करें ज्यादा कुछ करो, अरे लॉगिन पेज बस बना लो, है ना, इसको स्टार्ट करो कल से। अभी देखो एपीआई का भी है, रेस्ट एश्योर्ड है, और देखो अगर हम अपने एंड से कहें तो अभी एक आप लोगों को क्या बताना है, रेस्ट एश्योर्ड प्लस एपीआई का एक ओवरव्यू और देंगे हम, ठीक है, और प्लस आपको क्या बताएंगे, रेस्ट एश्योर्ड प्लस आपको चाहिए क्या, जेनकिंस प्लस आपको एक बार हम भी ग्रिड का एक आइडिया आपको और देंगे, ठीक है, क्या पैरेलल टेस्टिंग और क्रॉस ब्राउजर। अच्छा पैरेलल टेस्टिंग testng.xml यूज की थी ना, कहाँ पे testng यूज किए, testng.xml किए हैं यूज की नहीं, उसमें सूट करके एक टैग है ना पहला वाला, उसके अंदर दो कीवर्ड चलते हैं, एक थ्रेड काउंट
एक क्या चलता है थ्रेड काउंट और दूसरा होता है पैरेलल। अगर तुमने लिख दिया, जैसे मान लो तुम्हारे 100 टेस्ट केस चलने को है, तुमने लिख दिया पैरेलल इक्वल्स टू क्लासेस या पैरेलल इक्वल्स टू क्या लिख दिया मान लो मेथड्स, और थ्रेड काउंट इक्वल्स टू लिख दिया क्या 5। अब मान लो तुमने फिर सूट के अंदर क्या है, ये सूट टैग के अंदर ही होता है, सूट के अंदर फिर क्या है टेस्ट है, टेस्ट के अंदर क्या है क्लासेस है, क्लासेस के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर क्या है मेथड्स है ना, जानते हो क्या होगा, मान लो तुम्हारे 100 टेस्ट केस है, 150 टेस्ट केस है और थ्रेड काउंट तुमने 5 दिया है ना, तो इकट्ठे एक 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 साथ 5 उठाएगा चलाने के लिए, तुम्हारे उसी सिस्टम पे 5 ब्राउजर खुलेंगे, एक ब्राउजर पे पहला टेस्ट केस चल रहा होगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सोचो। और मान लो 5 चल रहे हैं, मान लो दूसरा टेस्ट केस छोटा था, वो 30 सेकंड के अंदर क्या हो गया खत्म हो गया, और 4 थे क्या थे बड़े थे, वो चल रहे हैं, एक की जगह खाली हुई ना 30 सेकंड बाद, तो ये क्या करेगा जानते हो, जो 100 150 में से 5 चला रहा था, 145 बचे थे ना, एक खत्म हो गया ना, 145 में से एक और खींच के, मतलब एक साथ हमेशा कितने रहेंगे इसके पास 5, तो रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे आपके पास जल्दी आ जाएंगे, है ऐसा हो जाएगा। बस करिए आप ये पैरेलल इक्वल्स टू मेथड्स लिखिए, एक स्टॉक जैसे एक स्टॉक हो गया हाँ वो क्लोज भी हो गया, और फिर दूसरा भी एक चलता होगा तब ना, हाँ नहीं वो तो चल ही रहा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चलेंगे ही, जो एक एक बंद हो गया जब, तो 5 थ्रेड इसको चलाने थे कि नहीं, कितने चलाने थे इसको, इसको बोलते हैं थ्रेड, क्या बोलते हैं थ्रेड, थ्रेड काउंट और पैरेलल दो कीवर्ड हैं, तो जैसे 5 दिए हो, अब 5 चल रही है, एक खत्म हो गई, एक टेस्ट में खत्म हो गया, 4 थ्रेड चल रही है ना, एक की जगह खाली हुई ना, इसने तो कसम खाई है हम कितने चलाएंगे एक बार में 5, अब वहां तुम्हारा काम बचा है ना, तो उसमें से एक को क्या करेगा, एक और को चलाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, एट ए टाइम कितने चलाएगा ये 5। हाँ मतलब ये समझ लो, ये थ्रेड काउंट, ये इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं मालूम है, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड काउंट है अगर पैरेलल तो पैरेलल पैरेलल कुछ मेंशन नहीं है, तब यार लेकिन तब पैरेलल दे तो 5 चलाता है, चलाता तो एक ही है ना, हाँ तुझे देना पड़ेगा तब चलाएगा, वो थ्रेड काउंट इसीलिए है, ठीक है, एक चीज ये चीज सब लोग जान लो, एक कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग जैसे तुम जब चलाते हो, ध्यान से सुनो यार बात मत करो भाई, जैसे ये देखो अगर हम तुमसे कहें कुछ चलाने को तो तुम चलाओगे ना, तो जानते हो क्या चलता है, जावा का एक प्रोसेस चलता है और उसके अंदर एक थ्रेड चलती है, क्या बोलते हैं एक थ्रेड चलती है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट तो आपको ये देता है कि आप चलाओ जावा का एक प्रोसेस रहेगा लेकिन काम करने के लिए 5 वो हो जाएंगे, जैसे मल्टी थ्रेडिंग में तुमने दे दिया थ्रेड काउंट 2, 5, 10, 20, 50, मतलब समझ रहे हो ना, एक काम जैसे देखो तुम्हारा सिस्टम है चलता है, तुम्हारे पास तो 12 GB रैम है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, कोई प्रोग्राम चलता है कितनी कितनी पावर लेगा, तब भी तुम्हारी सारी रैम क्या रहती है खाली पड़ी रहती है ना, ये उस रैम का यूटिलाइजेशन उसी समय पे करेगा, तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा जो 12 घंटे में आना चाहिए वो रिजल्ट कितने घंटे में तुम्हें मिल जाएगा, 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, ये फायदा मिलेगा किसको किसका आपको, मल्टी थ्रेडिंग का, क्योंकि अगर आपके पास आपके सिस्टम के पास कैपेबिलिटी है तो यही कंसेप्ट क्या है मल्टी थ्रेडिंग है, कि आप अपने प्रोग्राम के कई क्या चलवा सकते हो थ्रेड चलवा सकते हो, हर थ्रेड अलग अलग काम करे, यही कंसेप्ट किसका है मल्टी थ्रेडिंग का। अच्छा तुम बताओ सब लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं ना एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, डेवलपर भी मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं ना, तभी तो एक साथ इतने लोगों के रिक्वेस्ट लेके एक साथ क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है हर आदमी के लिए अलग अलग मेथड बनाए हैं, मेथड वही बनाए हैं वो किसका बताओ, मेथड वही बनाए होंगे वो लोग बनाए होंगे ना, रजिस्टर वो रजिस्टर रजिस्टर नाम का मेथड बनाए होंगे जिसके अंदर कोड लिखा होगा रजिस्टर करना है,
अब लाख लोग रजिस्टर करने पहुंचे ना, और फटफट सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लाख मेथड थोड़ी ना है, मेथड एक ही है, और एक साथ कई लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहां भी कंसेप्ट किसका यूज हो रहा है? मल्टी थ्रेडिंग का यूज हो रहा है। वहां भी कंसेप्ट किसका यूज कर रहे हैं वो लोग? मल्टी थ्रेडिंग का। इसीलिए तो सर्वर खूब बड़े बड़े खूब कैपेबिलिटी वाले रखते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है, इतना तो समझ में आया ना कि कोई भी काम अगर आप चाहोगे तो मतलब एक साथ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे रैम में अभी इतनी जगह खाली है, तुम्हारे सीपीयू में इतनी जगह खाली है कि तुम चला सको। एक ब्राउजर चलने से ही खत्म सब कुछ नहीं हुआ, इसे चाहोगे तो कहोगे दो दो तीन तीन साथ में चलाएगा। सोचो 100 टेस्ट केस है, एक एक करके चलाएगा तो कितना टाइम ले रहा है? 3 घंटा। अगर एक साथ 3 चलवा दे तब तो ये न 1 घंटा एग्जैक्ट लेगा तो 1.25 घंटा लेगा। भाई थोड़ा पावर बढ़, वो लोड इसके ऊपर बढ़ भी गया, लेकिन कितना लेगा? 1.25 घंटा लेगा, 1 घंटा 10 मिनट लेगा। तब भी तो मेरा 1.25 घंटे टाइम बचा कि नहीं बचा? अब समझ में आ रहा है कुछ? मल्टी थ्रेडिंग जो तुम चलाते हो वो क्या है? एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड, और मल्टी थ्रेडिंग करोगे तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड चलाओगे। याद करो थ्रेड डॉट स्लीप देखे हो ना, वो यही करता है। जो जिस थ्रेड डॉट स्लीप जब चलता है प्रोग्राम, तो एक प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड होता है, इसलिए उस थ्रेड को क्या करता है? रोक देता है। तुम ऐसा करवा सकते हो कि 5 थ्रेड चल रही है किसी थ्रेड के लिए, कोई थ्रेड में वो स्लीप करे और किसी थ्रेड में स्लीप ना करे। इसलिए मेथड का नाम क्या है? थ्रेड डॉट स्लीप। जावा का क्या एक चलता है? प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर चल सकती है मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आता है क्या? मल्टी थ्रेडिंग का। कैसे कर सकते हो? पहले अच्छे मोबाइल वाला करो, और भाई तो बताते हैं, लेकिन करो एकदम रेगुलर करो, तो सब चीजें खत्म हो जाए। मेरे पास मेरी 15 दिन की छुट्टी है, बस जान लो। हाँ, इसलिए कह रहा है कि जरा रेगुलर तुम लोग मेहनत कर डालो, तो सारी चीजें क्या कर दें हम लोग कवर कर डाले। ठीक है।